<clears throat> Hello, everyone. Yes, good evening, everyone. Good evening, Reshma. Good evening, Simran. Casio Sabi. Am I audible properly? Please confirm. Am I properly audible to all of you? Please confirm. Yes. गुड इवनिंग जिया गुड इवनिंग कशिश ओके यस गुड इवनिंग योजता एम आई कम्प्लीटली क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू एक बार और कंफर्म कर दीजिए वॉइस एंड वीडियो यस गुड इवनिंग कैसे हो सभी यस गुड इवनिंग खलील गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स यस, वेरी गुड सिमरन। ओके गुड चलो क्लियर एकदम तो कल के लेक्चर में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कल के लेक्चर में किसी कोई डाउट लास्ट लेक्चर में वी कंप्लीटेड मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्योंकि कल के लेक्चर से आज का लेक्चर है वो रिलेटेड है यस yes, योजित बहुत ठंड है आज डिपेंड करता है कहाँ पर, पर है ना कई जगहों पर है कई जगहों पर नहीं है तो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज से काफी रिलेटेड है हमारा आज का लेक्चर मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जो हमने पढ़े थे जो सेल्स डिवाइड कर सकते हैं वही तो आगे जाकर के परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं आज की क्लास में हम परमानेंट इश्यूज करेंगे इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है हाँ वही <laughs> so, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यस गुड इवनिंग प्रतीक जो कि आप एक बार समझ जाए तो आप उन क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं सो गुड इवनिंग एवरी वन यस एमएससी वाले गेट एग्जाम दे सकते हैं जिया अच्छा छत्तीसगढ़ ओब्वियसली वहां तो होगी ना ज्यादा हाल फिलहाल तो अभी ज्यादा होगी काफी फॉरेस्ट एरिया है वहां पे यस yes, जिया एमएससी वाले गेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं एमएससी वाले ही तो देते हैं एमएससी के थ्रू आप दे सकते हो गेट एक्सेल का एग्जाम लाइफ साइंसेस से गेट बी का एग्जाम बायोटेक से और गेट ई वाई विच इज इकोलॉजी एंड रिवोल्यूशन ये अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट है आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है तो उनमें से दे सकते हैं यस सिमरन आजमगढ़ गुड तो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम नहीं दे सकते है? बिल्कुल यू आर एलिजिबल आप ही तो एलिजिबल हो ये सिर्ण, ये सीरीज आपके ही एलिजिबिलिटी के एग्जामिनेशन के ऊपर है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूजिया तो हम पढ़ा रहे हैं आप इनसे फॉर्म फिल करके एग्जामिनेशन दे सकते हैं एक्सएलटी से और गेट विच मीन आई आई टी से आई आई टी से आप पी एच डी कर सकते हैं आई आई टीज एन आई टीज बार्क टी आई एफ आर ये सब गेट के स्कोर को वैलिड मानते हैं चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर सो so, आज के लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यूज पढ़ने वाले हैं आप इमेज में देख सकते हो एक इमेज लेके आया मैं आपके लिए इसमें आप देख सकते हो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है लीफ का लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है यस यू वेलकम जी तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्यूटिकल की बनी हुई होती है क्यूटिकल के बाद में जो फर्स्ट लेयर प्रेजेंट है वो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं फिर मीजोफिल सेल्स आते हैं ये एपिडर्मिस के सेल्स है फिर आपके ये सेल्स है ये मीजोफिल सेल्स है मीजोफिल सेल्स के अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट और ये सब प्रेजेंट है देन आपके गार्ड सेल और स्टोमेटा है लोअर सरफेस पे तो ये सभी जो सेल्स है जो एक साथ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक साथ काम कर रहे हैं ये सारे परमानेंट टिश्यूज है ये जो स्टोमेटा है गार्ड सेल है क्या ये डिवाइड कर सकते हैं ये नहीं डिवाइड कर सकते

फॉर फ्री टू अगर आप बैच लाइव नहीं ले रहे हैं अगर आप सीधा प्रिपेयर कर रहे हैं पी वाई क्यूज से तो आपको फ्री पी वाई क्यूज मिलते हैं फ्री जो यूट्यूब वो आपको डिलीवर की जाती है इस ऐप के ऊपर साथ में आपको रैंकर स्ट्रेटेजीज और सारी डिटेल्स अगर आपको गेट के एग्जामिनेशन कीजिए तो ये सभी चीजें आपको ऐप आप के ऊपर मिल जाएगी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को यू कैन डाउनलोड दब्जेक्ट्स आपके रहेंगे लाइफ साइंसेस में भी हैं और बी के लिए भी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी चाहे वो फ्री पीवाई क्यूज हो ठीक है तो आपको सॉल्व करना ही करना है तो यहां से आप पीवा सॉल्व करेंगे देखो जिया एक्चुअली पेड कोर्स यू नो रेगुलर क्लासेस रहती है ठीक है फोर टू सिक्स आवर्स की आपकी रेगुलर क्लासेस रहती है जिसमें लाइव इंट्रेक्शन होता है फैकल्टीज से फिर उसके बाद में आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स है एंड देन टीचर्स हैंड आउट है जो पढ़ाया जा रहा है बैच के अंदर वो क्यूरेटेड कोर्स है कि बैच है तो देर आर स्टूडेंट्स हु आर इन फ्रंट ऑफ अस जिनके साथ में हम डेली का एक क्लास इंटरेक्शन चलता है फिर संडे टेस्ट होता है तो बेसिकली यहाँ पर ऑल एंड ऑल कंप्लीट प्रिपरेशन है ना है ना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहे है, तो प्लीज आप रिफ्रेश कीजिए एक बार तो यहाँ पर जैसे बैच लाइव है तो बैच लाइव इज ऑब्वियसली अ डिफरेंट थिंग बैच में रहता है कि वी नो द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स नो अस एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है रेगुलर क्लासेस रहती है फोर टू सिक्स आर की एंड कंप्लीट सिलेबस को हम पूरा डिटेल्ड में होते हैं सिलेबस विच इज वाई वी कैन से पेड कोर्स इज ऑलवेज ऑब्वियसली इट इज बेटर ठीक है बट अगर आप नहीं भी ले रहे हो पेड कोर्स तो ऑब्वियसली फिर भी हम आपके लिए सेशंस लेके आए हैं ठीक है यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं आपको है ना हर एक टॉपिक को हर एक यूनिट uh, को हम कवर करवा रहे हैं ना, तो आप यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और बैच लाइव भी बेटर है बिल्कुल बैच लाइव इज ऑल्सो गुड है ना तो बैच लाइव से भी क्योंकि यहाँ पर कुछ फीचर्स अच्छे हैं ज्यादा हैं ओके गुड इवनिंग अजय गुड इवनिंग एवरी वन देन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके गेट एक्सेल के साथ साथ गेट बीटी के लिए भी ये सारे फीचर्स अवेलेबल है ओके हाल फिलहाल अभी गेट के लिए बच्चों जो रिकॉर्डेड कोर्स है ये रिकॉर्डेड कोर्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड फॉर एक्सेल लाइफ साइंसेस ये अभी आपको सेवेंटी परसेंट ऑफ पे है रिकॉर्डेड कोर्स है इसमें लाइव नहीं है बट हाँ सारे यूनिट सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर प्रेजेंट है ये अभी ऑफर है 2500 बहुत ही कम प्राइस पर है अभी हाल फिलहाल आपको प्रोमो कोड यूज करना है सेवनटी टू मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा एंड बायोटेक के लिए भी है ये रिकॉर्डेड कोर्स और ये लाइफ साइंसेस के लिए भी है दोनों के लिए ही सेवेंटी फाइव सेवेंटी परसेंट एंड द ऑफर प्राइस राइट नाउ इज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू यूज द कोड आई एफ एस कैन सी लास्ट ईयर गेट बी से ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी विच इज योर ऐश्वर्या कुमारी है ना तो आप भी ऑल इंडिया रैंक मन ला सकते हैं फॉर श्योर sure. चलो बात कर रहे थे हम परमानेंट टिश्यूज की परमानेंट टिश्यूज में ऐसे सेल है जो मेन इसकी डेफिनेशन है विच इज दे कैनोट डिवाइड दे हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिवाइड दोज टिश्यूज आर कॉल्ड बाय द कॉल्ड permanent tissues. So, these have lost the capability of division. इन्होंने सारी डिवीजन की कैपेबिलिटीज लूज कर दी है इनको अपन बोलते हैं परमानेंट टिश्यू ये परमानेंट टिश्यूज डेवलप कैसे हुए वी हैड सम डिवाइडिंग सेल एक्टिवली डिवाइडिंग सेल जिनकी बात हमने कल की थी पोजिशन के बेस पे हमने उनको भी डिफाइन किया था क्लासिफाई किया था एपिकल मेरिस्टम इंटर कैलरी मैरिस्टम लेटल मैरिस्टम सो यहां पर मैरिस्टमेटिक टिश्यू है ये मैरिस्टमेटिक टिश्यू डिवाइड करके कुछ ऐसे सेल्स बनाता है जो कि एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करती है स्पेसिफिक फंक्शन करती है प्रॉपरली मॉडिफाइड रहती है इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था बताओ मुझे कमेंट में इसको हमने कहा था डिफरेंशिएशन। सो दीज परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू ये बन रहे हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन से सपोज अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये परमानेंट टिश्यू दोबारा से मैरिस्टोमैटिक हो जाए ये फिर से मैरिस्टोमैटिक हो जाए, यस, yes, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे अगर ये फिर से मेरिस्टोमैटिक हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा तो इन सेल्स के पास में कोई पावर ऑफ डिवीजन नहीं है परमानेंट टिश्यू के पास में ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं एक जो कि सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये बात हम कल कर चुके सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एक है पेरन एक है कॉलन और एक है स्क्लेरेनकाइमा ठीक है वन इज पेरन कायमा अनदर वन इज कॉलन कायमा अनदर वन इज स्क्लेरन कायमा क्या बात है आंसर नहीं आया इसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन अब ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू फिर से परमानेंट टिश्यू बनाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे प्लीज कमेंट सो

इनको सिंपल क्यों बोला जा रहा है क्योंकि ये सभी सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने हैं टिश्यूज़ सिंगल टाइप के सेल के बने हुए हैं सिंगल टाइप सेल से बने हैं ओके हैंज आर फाउंड बाय सिंगल टाइप ऑफ सेल आप देख सकते हो ये टिश्यू है पैरनकाइमा टिश्यू है इस टिश्यू में आप सेल्स को देख रहे हो तो ये सेल्स सारे एक ही तरीके के हैं सब पेरनकाइमा सेल्स है सेम टाइप के सेल है तब का टीशू बन रहा है। दूसरा का दूसरा कॉलेन कायमा टिश्यू सभी सेल सेम है सभी सेल सेम है एक साथ सारे सिंगल टाइप के सेल्स प्रेजेंट हो टिश्यू बनाए तो उसे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं राइट उसके क्या पूछा था मैंने आपसे कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू ये जो डीडिफ्रेंशिएशन से बना है ये अगर फिर से परमानेंट हो जाए तो उससे हम बोलते हैं रिडिफ्रेंशिएशन आंसर क्यों नहीं आ रहा कल बताया तो था मैंने अगर ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू दोबारा से परमानेंट हो गया तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएशन यस रीडिफ्रेंशिएशन डिफरेंशिएशन इज मैरिस्टमैटिक से परमानेंट परमानेंट से फिर से मैरिस्टमैटिक तो डीडिफरेंशिएशन और वही मैरिस्टमैटिक फिर से परमानेंट का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन दैट वुड बी कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन आंसर किया करो मैं कुछ पूछता हूं ना आंसर किया करो कमेंट्स में देन जाइलम फ्लोम गलती तो होगा ज्यादा से ज्यादा मैं समझाऊंगा ना गलतियां करनी चाहिए आपको पता है ना गलतियों से ही सीखते हैं हम कोई बात नहीं गलतियों से ही हम सीखते हैं अगर आप गलतियां कर रहे हो तो इट्स ओके ठीक है कोई गलती आप करोगे तो मैं आपको करेक्ट करूंगा वो चीज़ आप कभी भूलोगे नहीं अदरवाइज ये गलती आज नहीं तो फिर आप कहीं और करोगे एग्जाम में करोगे येस ये आई नो इट्स योर फर्स्ट क्लास इट्स ओके आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो मंडे से हमारा ये प्लांट एनाटॉमी स्टार्ट हुआ है तो हाँ कल से ही स्टार्ट हुआ है सो so, आप यू कैन वॉच प्रीवियस लेक्चर टू तो जाइलम फ्लोए में ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दीज आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक से ज्यादा मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एज यू कैन सी कि जाइलम और फ्लोएम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यहां पर आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप के सेल से बने हैं जाइलम बना है ट्रेकिड से भी और फाइबर भी ना हमारे पास में जाइलम का ही सेल है इसके अलावा जाइलम पैरन कायमा भी प्रेजेंट होता है एंड जाइलम फाइबर भी होते हैं सब मिलके एक टिश्यू बना रहे हैं अलग अलग टाइप के सेल है तो इसको अपने कैसे क्या बोलते हैं इट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फ्लोएम है तो इसमें सी एलिमेंट है फ्लोएम फाइबर है कंपेनियन सेल है और उसी के साथ साथ में फ्लोएम पैर काइमा भी है तो ये सब टिश्यूज अलग अलग सेल्स हैं, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यस गुड इवनिंग कोमल गुड इवनिंग एम गुड थैंक यू फॉर आस्किंग हाउ आर यू अच्छा नेट टीश्यू आ गया कोई बात नहीं ठीक है कोई बात नहीं चलो तो ये थे सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक एक करके इन सभी टिश्यूज से इन सभी टिश्यूज को डिस्कस करते हैं सबसे पहले लेते हैं हम पैरन कायमा सबसे पहले लेते हैं अपने पैरन कायमा यहां तक का आपको ओवरव्यू दू मैं तो देखो हमने टिश्यूज पढ़ना शुरू किया था कल की क्लास में टिश्यूज को हमने डिवाइड किया एक मैरिस्टमेटिक टिश्यू में और हमने डिवाइड किया परमानेंट टिश्यू में मैरिस्टमेटिक के हमने कई सारे क्लासिफिकेशन देखे एक पोजीशन के बेसिस पर हमने देखा कि एक एपिकल मेरिस्टम है एक इंटर है और एक लेटरल है ठीक है ये सब प्राइमरी टिश्यू थे प्रो टिश्यू प्रो आ, ठीक है इस तरीके से देन परमानेंट टिश्यू में हमने देखा कि आज ही हम देखने वाले हैं कि एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये पार्ट हम कवर कर चुके सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरीके का है पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा स्क्नकाइमा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरीके का है जाइलम और फ्लोएम तो अब है हम पैरनकाइमा पे फिर हम कॉलेनकाइमा और स्लैर करेंगे, एंड देन हम जाइलम एंड फ्लोएम करेंगे <coughs> चलेगा सो <coughs> काइमा so, वर्ड, दिस टर्म वॉज गिवन बाय एन ग्रू एन ग्रू है इन्होंने टर्म दिया काइमा। यह सबसे फर्स्ट इवॉल्व सेल है मतलब काफी प्रिमिटिव सेल है सबसे पहले पैरकाइमेटर सेल ही बनते हैं और उन सेल्स से फिर आगे जाकर के मॉडिफाई होके नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है विच इज वाई दीज आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव सेल्स दीज आर फर्स्टली इवॉल्व सबसे पहले ये इवॉल्व होते हैं सबसे पहले इनका फॉर्मेशन होता है ये सभी सेल लिविंग सेल्स है सब जिंदा सेल है ठीक है सारे लिविंग सेल्स है देन ये बेसिकली फंडामेंटल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है पिथ में प्रेजेंट है पेरिसाइकल में प्रेजेंट है मीजोफिल में प्रेजेंट है जाइलम पेरेनकाइमा एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा के अंदर भी है कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट होता है आपको मैं एक इंटरनल स्ट्रक्चर की एक ओवरव्यू दू मैं तो सबसे बाहर जो सेल्स होते हैं उनको अपने बोलते हैं पेरेन सॉरी एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है मैं एक सिंपल आउटर मोस्ट टिश्यू वगैरह बना रहा हूं आपके लिए है ना जीवित कोशिका यस yes, जीवित कोशिका है बाहर की लेयर को अपने एपिडर्मिस बोलते हैं फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट लेयर आती है अरे क्या कह रहे उसको अपने बोलते हैं कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स के बाद में जो लेयर आती है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस फिर आपके आती है पेरीसाइकल एंड देन आपके जाइलम एंड फ्लोएम आना शुरू हो जाते हैं ठीक है ये वेस्कुलर बंडल्स आपके आने शुरू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम सो मैंने कहा कि आपको ये फंडामेंटल सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है पेरनकाइमेटर सेल्स उनमें से है कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स समझ गए आप पहले एपिडर्मिस आती है उसके बाद में कॉर्टेक्स का पार्ट आता है पिथ जो होती है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है जैसे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उन सभी बंडल्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसे पिथ बोलते हैं और पिथ प्रेजेंट है पेरिसाइकल के सेल्स भी, सेल्स सेल्स भी ही बना रहे हैं आपके होते हैं लीफ में देखो ये जो सेल है ये मीजोफिल सेल्स है ये है मीजोफिल सेल्स ठीक है ये सेल्स मीजोफिल सेल्स है दीज आर दी मीजोफिल सेल्स ठीक है तो मीजोफिल सेल्स बनाते हैं दो सेल्स हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर पड़ेंगे जो कि हमारे पास में जाइलम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा, मतलब ज़ाइलम एंड फ्लोएम में जो पोर्शन पैरेंकाइमिटस है लिविंग पार्ट है जो फूड के स्टोरेज में काम आता है लेट्रल कंडक्शन ऑफ वाटर में काम आता है वो पार्ट जाइलम और फ्लोएम पैरकाइमा parenchyma में पैर सेल बनाते हैं अभी हमने स्टार्ट ही किया पैरकाइमा से शुरू कर रहे हैं योजता सिंपल परमानेंट टिश्यू का अब ये डिफरेंट शेप्स के हैं जो मैक्सिमम होते हैं वो होते हैं आइसो डायमेट्रिक वी कैन कॉल देम राउंड ओनली आइसोडायमेट्रिक राउंड ही होता है आइसोडमेट्रिक मतलब सभी जगहों से सेम डायमीटर होता है उसका उसे हम बोलते हैं आईसो डायमेट्रिक कहीं से भी देखो सेम डायमीटर है कुछ सेल्स इलांगेटेड भी होते हैं लंबे भी होते हैं ठीक है एंड कुछ सेल्स हैं वो ओवल शेप के भी होते हैं तो दिस कैन बी ओवल शेप दीज कैन बी इलाटेड और दिस कैन बी राउंड इन शेप नेक्स्ट लेते हैं हम कई बार ऐसा देखा गया है कि इसकी 14 साइड देखने को मिली है yes, तो नाम ध्यान रखोगे इन सेल्स को क्या बोला जाता है अगर फोर्टीन साइड है तो टेट्रा कोई डेको हेड्रॉन जब इसकी फोर्टीन साइड की शेप है तब इन सेल्स को बोला जाता है टेट्रा कोई डेकोहेड्रॉन सेल्स अब जो शेप है बच्चों वो दो फैक्टर्स पे डिसाइड करता है इसका एक साइजोजिनसली दूसरा लाइसोजिनसली मतलब सेल्स के बीच में दो स्प्लिटिंग होती है देखो पेरनकाइमेटर सेल्स है वो स्प्लिट करके एक कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं एक स्पेस बनाते हैं जिसमें और सेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है हाँ नाम तो बहुत हैवी है ये तो बीच में अगर सेल्स की स्प्लिटिंग से एक कैविटी बनती है फिर सेल की शेप उसी वजह से डिसाइड होगी तो उसको हम बोलते हैं साइजोजीनसली जब सेल्स स्प्लिट करके बनेंगे और अगर सेल्स का डेथ होके लाइसिस होकर के वहां पर एक स्पेस बन रहा है तो उसे हम बोलते हैं लाइसोजिनसली तो साइजोजिनसली होगा जब सेल्स स्प्लिट करेंगे लाइसोजिनसली होगा जब कभी भी सेल्स की डेथ होगी फिर स्प्लिट करेंगे कैविटी का फॉर्मेशन करेंगे और उन सेल्स को जो भी उससे सराउंडिंग होंगे उनकी शेप चेंज होगी क्योंकि एक में तो स्प्लिटिंग हो रही है और दूसरे के अंदर डेथ हो रही है जिसकी वजह से कैविटी बन रही है तो उसके आसपास के सेल्स की शेप जो है वो चेंज होगी इनकी सेल वॉल बनी होती है पैक्टो सेल्यूलोज की मीन्स इसमें सेल्यूलोज होता है और उसके साथ साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट्स होते हैं उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स भी होता है अब हम देखें कि पेरिन के कुछ मॉडिफिकेशंस है ठीक है तो पेरनकाइमा मॉडिफाई होता है डिपेंडिंग अपॉन देशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स पहला है प्रोजेनकाइमा प्रोजेनकाइमा एक ऐसा पेरनकाइमा है जिसकी जो कि पहली बात तो टिश्यूज को प्रोटेक्शन देता है इसको अगर कोई भी टिश्यू है प्लांट्स में तो वो अगर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसमें प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कैसे कर सकता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके कर सकता है प्रोटेक्शन और मैकेनिकल स्ट्रेंथ डेवलप कैसे होगी उसकी सेल वॉल की थिकनिंग से जैसा हम स्क्लेरन को बोलते हैं कि इट इज द मेन मैकेनिकल टिश्यू इट मींस कि स्क्लेरन कायमा की जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है उसमें सुबेरिन का डिपो, डिपोजिशन हो जाता है टर्शरी वॉल्स आ जाती है और वो सेल डेड हो जाती है और फिर वो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है अगर कोई भी दूसरी सेल अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है तो वो कैसे करेगी वो करेगी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ हैवी सेल वॉल मतलब सेकेंडरी थिकनिंग बनना शुरू हो जाएगी तो ये प्रेजेंट होते हैं प्रोजेन कायमा पैरिसकल में और इनकी सेल वॉल थिक हो जाती है दूसरा है हमारे पास में एरन कायमा एरन कायमा ऐसा मॉडिफाइड पैरन कायमा है जो कि हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है नाम से पता चल रहा है आपको एरन कायमा कुछ ना कुछ एयर स्पेसेस होनी चाहिए तो इस पेरनकाइमा के बीच में जो सेल्स होते हैं सेल्स के बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है और ये एयर स्पेसेस हेल्प करती है हाइड्रोफाइट्स को बायसी प्रोवाइड करने में तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स जो हैं वो अगर समर्ज रहे सबमर्ज नहीं सॉरी वो अगर फ्लोटिंग है फ्रीली फ्लोटिंग है तो इसका मतलब उनमें एरनकाइमा टिश्यू बहुत ज्यादा एयर स्पेसिज इतनी है कि वो फ्लोट करने लगे तो उनमें एरनकाइमा टिश्यू काफी प्रेजेंट होता है कुछ ऐसे पैरनकाइमेट सेल्स है जो कि स्टार शेप के होते हैं ठीक है स्टार शेप के उनको अपने बोलते हैं स्टिलेट पैरनकाइमा प्रेजेंट होते हैं इन द बनाना बनाना में प्रेजेंट होते हैं फूड का स्टोरेज करते हैं ठीक है और साथ साथ में जो बनाना का एक सूडो स्टेम उसका फॉर्मेशन करतेन एक पेरनकाइमा जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फोटोसिंथेसिस जब कभी भी पेरनकाइमा सेल्स के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट डिपोजिशन होना शुरू हो जाए ठीक है बनना शुरू हो जाए जैसा कि बनता है हमारे पास में मीजोल सेल्स में मीजोफिल सेल्स के अंदर सेल्स ही हैं वो और उन पैर सेल्स के अंदर डिपोजिशन होने लग जाता है क्लोरोप्लास्ट का विच इज वाई आर कॉल्ड एज क्लोरनकाइमा ठीक है आर कॉल्ड एज दोनों और ये काम कहां आता है फोटोसिंथेसिस में एक आपके सामने एक पोल आ रहा होगा इस पोल को जरूर आप क्लिक कर लीजिएगा ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है अपने ये है हमारे पास में म्यूसिलेज पैरेंकाइमा, म्यूसिलेज पैरनकाइमा म्यूसिलेज पैरनकाइमा काम है नाम से पता चल रहा है इसमें बहुत बड़ा वेक्योल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में वैक्योल है और इसमें वैक्योल का साइज काफी बड़ा होता है ये काम आता है फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वाटर और मिनरल्स के स्टोरेज में काम आता है हमारे पास में दिस म्यूसिलेज पैरें इसमें म्यूसिलेज वाटर की स्टोरेज में कैसे काम करेगा ये एक सॉफ्ट टिश्यू बनाएगा आपने एलो देखा होगा एलोवेरा एलोवेरा की लीव्स देखी होगी आपने उनकी लीव्स में कितना सारा वाटर जो है वो स्टोर्ड रहता है उनको अपन बोलते हैं सक्यूलेंट्स

ऑल्सो अगर आप देखो ओपनशिया ओपनशिया यू फोरबिया ठीक है तो इनमें भी क्या रहता है वाटर स्टोरिंग टिश्यू रहता है दैट इज प्रेजेंट इन वो भी मॉडिफाइड ही है राइट right? देन है कुछ इडियोब्लास्ट सेल cell. ये सेल्स होते हैं पैरकाइमा का मोडिफिकेशन है ये सेल्स होते हैं ऑयल रेजिन ठीक है टेनिन एल्कोलाइड ये कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इनसे फिल्ड होते हैं ये सेल्स और ये स्टोर करते हैं वेस्ट मटेरियल को प्लांट से कोई भी वेस्ट मटेरियल है तो उन वेस्ट मटेरियल को ये स्टोर करता है ठीक है ये एक तरीके के सिक्रिटरी सेल्स है स्टोर किया फिर उनको रिमूव कर दिया यस वेरी गुड सबके घर में होना चाहिए एलोवेरा एलोवेरा बहुत ही अच्छा रेमेडी है फॉर मैनी डिजीजेस है ना काफ़ी सारे डिजीजेस के लिए एक अच्छी रेमेडी है एलोवेरा जरूरी चीज़ है एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये सब मेडिसिनल प्लांट्स हैं इन मेडिसिनल प्लांट्स का फॉर श्योर sure हमें रखना चाहिए ठीक है डे टू डे लाइफ में भी अगर हम इनका कंजप्शन करें तो वो बहुत सही रहता है सो so, देन ये देख सकते हो आप कुछ टाइप्स ऑफ पैरन कायमा है ये पैरन कायमा है ये देखिए क्लोरन कायमा इसमें क्लोरोफिल डिपोजिटेड है क्लोरोप्लास्ट है इसमें ये एरनकाइमा इसमें एयर कैविटीज है यह प्रोजेनकाइमा है जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ठीक है यह एपिडर्मलम जाइलम के साथ में एसोसिएटेड है एकमात्र लिविंग सेल है जाइलम टिश्यू में ये मीजोफिल पेरनकाइमा जो कि प्रेजेंट है इन साइड लीफ और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं पेरनकाइमा समझ में आया सबको ओनली नेक्स्ट इज कॉलन कालन कायमा वर्ड दिया था सबसे पहले स्लीडन ने स्लीडन ये वही स्लीडन है स्लीडन एंड सोन वाले सेल थियोरी वाले ही है यहां पर आप देख सकते हो कि ये प्रेजेंट है स्टेम के अंदर लीफ में फ्रूट में फ्लार में एरियल रूट में इनके अंदर सेल वॉल थी होती है ठीक है ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये प्रोजेंट ये भी मैकेनिकल सपोर्ट नहीं पेरन स्टोर करता है काम मैं उसका फंक्शन स्टोरेज है या फिर मॉडिफिकेशन करना है बाकी जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो कॉलेन कायमा है कॉलन कायमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बाय द फ्लेक्सिबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स तो फ्लेक्सिबिलिटी करके ये कैसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल सपोर्ट यही नहीं है कि फोर्स और स्ट्रेंथ से ही प्लांट को इश्यू रहे या फिर उसी से प्लांट को प्रॉब्लम हो अगर कोई लीफ है आप लीफ को इमेजिन कीजिए और विंड आती है ठीक है हैवी विंड आती है जो कि डेली की चीज है रोजाना का है तो लीफ क्या करती है इस तरफ मूवमेंट करती है अगर वो प्रॉपरली मैकेनिकली स्ट्रेंथ जैसे मान लो ब्रांच होती है उसकी तरीके से स्टिफ हो इसका पीटीओल जो पीटीएल है वो उस तरीके से स्टिफ हो तो क्या होगा लीफ टूट जाएगी टूट के गिर जाएगी आप देखो लीफ का पीटीओल कितना फ्लेक्सिबल है लीफ खुद कितनी फ्लेक्सिबल है कि वो मूव कर जाती है एयर के साथ में और टूटती नहीं ना ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉलन कायमा ये इस तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि प्लांट को डैमेज ना हो

इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस एबसेंट है सो so, पैरकाइमेटर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है इंटरसेल्युलर स्पेस ओके okay. यहां पे लिखा हुआ नहीं है आप लिख लीजिएगा इंटरसेल्युलर स्पेस आर प्रेजेंट इंटरसेल्युलर स्पेस आर प्रेजेंट कोई भी राउंड सेल्स है ऑब्वियसली इंटरसेल्युलर स्पेस उनमें होगी यस yes, इनमें होती है इंटरसेलुलर स्पेस ठीक है लेकिन इनमें एबसेंट होती है बिकॉज थिकनिंग आने लगती है आप देख सकते हो इसके अंदर कॉर्नर्स में थिकनिंग आना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेस खत्म हो जाता है ठीक है स्मॉल कॉलन कायमा है उनको हम प्रिज्मेटिक सेल्स बोलते हैं ये इलांगेटेड कॉलन सेल्स है उनको हम ओब्लिक कॉलन कायमा बोलते हैं कुछ है टाइप्स ऑफ कॉलन का दिस इज बेस्ड ऑन द थिकनिंग ये टाइप्स ऑफ कॉलन कायमा प्रेजेंट है ड्यू टू द थिकनिंग पहला है लेमिलर और लेमिनार और प्लेट कॉलनकाइमा यह कॉलनकाइमा होते हैं इनके अंदर टेंजेंशियल वॉल्स में थिकनिंग होती है इनकी टेंजेंशियल वॉल के अंदर थिकनिंग प्रेजेंट है देन एंगुलर फाहन ने बताया था कि मैच्योरिटी में जो एंगुलर सेल्स से है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन मेच्योरिटी एंगुलर सेल्स आर कन्वर्टेड इंटू और वी कैन से मॉडिफाइड इन टू ये है एंगुलर सेल्स ठीक है इनके वॉल थिकनिंग एंगुलर हो जाती है बता रहा हूं ना एंगुलर सेल्स are converted into modified collenchyma cells which are used for the protection from herbivores मॉडिफाइड कॉलन कायमा नहीं मॉडिफाइड कॉलन कायमा सेल्स विच आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हरबीस ठीक है ये यहां से इन टू एंगर एंगुलर सेल्स वापस एंगुलर सेल्स में तो कैसे कन्वर्ट होंगे ऐसी बात तो बोल नहीं सकता फान ना? Scientist ही है ना साइंटिस्ट या एक अच्छे साइंटिस्ट है ऐसी बात तो नहीं बोलेंगे मिस प्रिंट यू आई है ओके सो देन ए लेक्यूनर ये लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट होती है लेक्यूनर सेल्स में सब में नहीं होती है इन्हीं में होती है लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस ठीक है लेक्यूनर और ये रहा लेक्यूनेट सॉरी ये लेक्यूनेट है यहां पर ये थिकनिंग प्रेजेंट है और ये बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है गुड इवनिंग आकांक्षा ये लेमिलर है ठीक है ये लेमिलर थिकनिंग है और ये है आपका एंगुलर कॉलनकाइमा दीज आर दी एंगुलर कॉलनकाइमा इनके जो थिकनिंग होती है वो एंगुलर प्रेजेंट होती है ये भी एंगुलर कॉलनकाइमा है एंगुलर कॉलन का इमा देन आर थर्ड टिश्यू थर्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरन का यह है आपका मेन मैकेनिकल टिश्यू ये है मेन मैकेनिकल टिश्यू ठीक है दिस इज द मेन मैकेनिकल टिश्यू ये टर्म दिया था मेटेनियस ने यह मेन मैकेनिकल टिश्यू है ये डेड होता है मैकेनिकल टिश्यू दिस टिश्यू इज डेड सेल्स जो है वो लार्ज है इलोंगेटेड है और इनमें बहुत थिकनिंग है की। और इनकी वॉल्स के अंदर पिट प्रेजेंट है पिट कैसे प्रेजेंट होते हैं सपोज ये सेल है इस सेल के ऊपर प्रेजेंट है थिकनिंग और जहां जहां से ये थिकनिंग कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं है उन स्पेसेस को हम बोलते हैं पिट्स उनको हम पिट्स बोलते हैं ये है बच्चों हमारे पास में दो तरीके के एक ट्रांसफर सेक्शन है टीएस अब टीएस से कट करोगे तो आप देखो यहां थिकनिंग प्रेजेंट नहीं है तो इनको हम बोलते हैं पिट्स ये है सिंपल पिट अगर मैं इसकी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इस तरीके से कट करता हूं पहला कट किया है हमने यू ठीक है इस तरीके से दूसरा हमने ऐसे कट किया है ऐसे कट किया है तो वो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इस सेक्शन में भी आप पिट्स देख सकते हो ये बच्चों दो तरीके के हैं एक है और दूसरे हैं फाइबर्स। फाइबर स्मॉल होते हैं राउंड होते हैं इनकी वॉल थिक होती है और खूब सारे पिट प्रेजेंट होते हैं ज्यादा थिक है तो इनका ल्यूमन स्मॉल होता है और इनकी स्ट्रक्चर सेल जैसी देखने को मिलती है इनको हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं प्लांट बॉडी में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकती है जैसे मास मेरिस्टम के अंदर प्रेजेंट होगी इनमें सेल का डिवीजन हर एक प्लेन में होगा मैसिव ऑर्गन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पोन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा देन स्टूडेंट्स क्या रहा ये है हमारे पास में दीज आर द्लेराइड्स ठीक है टाइप्स ऑफ स्क्लेराइड देखें हम तो ये है ब्रेकि स्क्राइड फर्स्ट वन इज ब्रेकिराइड सेकेंड वन इज दिस आर दिसक्रोस्राइड ये मैक्रोस्क्लराइट्स है ऊपर से आउट ग्रोथ ठीक है देन सी इज देखो इसकी शेप बोन जैसी है तो इसको ऑक्स्टियोस्लराइड बोलते हैं हम देन जो स्टार शेप का है बाहर से इस तरीके से वॉल इसकी आउट ग्रोथ करिए इसको हम एस्टेरइड्स बोलते हैं स्टार शेप का है एंड कुछ ट्राइकोस्क्लेराइड्स होते हैं जो ट्राइकोम के जैसे लगते हैं तो स्टोन सेल बोलते हैं अपने। आपने गावा खाया होगा ठीक है गावा का नास्पति का आपने जूस पिया होगा तो वो अपने बाइट करते हैं तो उसमें छोटे छोटे इस तरीके से पीसेज आते हैं छोटे छोटे अपने खाते हैं ना तो उसके अंदर काफी सारे इस तरीके से

और ट्राइकोस्लराइज ट्राइकोम लाइक होते हैं जो कि रूट्स में प्रेजेंट होते हैं मॉन्स्टेरा है है ये नहीं सॉरी मॉन्स्टेरा और ऑलिव ऑलिव ऑयल उल जो होता है उस ऑलिव की लीव्स में ओके okay. फिर काइमेटस फाइबर्स ये फाइबर शेप के सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं प्लांट बॉडी के याद रखना स्कैर फाइबर्स इनके दोनों एंड पॉइंटेड होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू में स्लैर फाइबर वही है जाइलम जाइलम एंड फाइबर है है वो यही फाइबर्स फ्लोएम फाइबर जो हम बोलते हैं वो फ्लोएम फाइबर यही है ये भी दो में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एक होता है लिब्री फॉर्म फाइबर इनमें हैवी लिग्निन डिपोजिशन होता है और सिंपल पिट होता है ल्यूमन स्मॉल होती है इनकी दूसरे हैं ट्रेकिड फाइबर ये कंपेरेटिवली हैं हो, इनमें सिंपल पिट की जगह बॉर्डर्ड पिट होती है और इनकी ल्यूमन जो है वो होती है ब्रॉड द ल्यूमन इज ब्रॉड एयर पोजीशन के बेसिस पर भी दो तरीके के हैं एक सरफेस फाइबर है जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है एक जायलरी फाइबर है जो कि जाइलम से एसोसिएटेड है तो सरफेस फाइबर में आपको कॉटन फाइबर देखते हैं कॉटन की सीड्स सीड्स के ऊपर से जो फाइबर निकलते हैं ठीक है ये है आउटग्रोथ ऑफ टेस्टा इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस ये लॉन्ग होता है और कॉयर ऑफ कोकोनट कोकोनट आपने नारियल देखा नारियल के बाहर की तरफ ब्राउन कलर के जो आउटग्रोथ निकली होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है वो सब सरफेस फाइबर है फाइबर सी है सेल होता है एक फाइबर एक सेल है तभी हम कह रहे हैं लॉन्गेस्ट सेल है ये फिर जायलरी फाइबर है इसको वुड फाइबर भी बोलते हैं ये हार्ड है नॉन फ्लेक्सीबल है और ये जाइलम के अंदर प्रेजेंट है इस टाइप के फाइबर को हम लिब्री फाइबर भी बोलते हैं अब इसमें एक फ्लोएम फाइबर आता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोएम फाइबर ये फ्लोम से एसोसिएटेड है जैसे फाइबर है वैसे फ्लोएम फाइबर ही होते हैं फ्लोएम से एसोसिएटेड है ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लोएम में और पेरिसाइकल में प्रेजेंट है ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कमर्शियल फाइबर है जूट जूट जो है वो फ्लोएम फाइबर ही होता है स्कलैर फाइबर है फ्लोएम फाइबर होता है लॉन्गेस्ट लीफ है बच्चों रेफिना विनीफेरा हार्डेस्ट थिकेस्ट और लार्जेस्ट लीफ विक्टोरिया रेजिया ये दो पॉइंट्स थे मुझे मिले तो मैंने आपको ऐड कर दिया ठीक है जूट का याद रखेंगे लॉन्गेस्ट कमर्शियल फाइबर फिर आते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज गेमिटोफाइट में है गेमिटोफ मतलब ब्रायोफाइटा और कुछ स्पोरोफाइट्स में भी स्पोरोट है जैसे कि टेरिडोफाइटा सॉरी टेरिडोफाइटा में बनना स्टार्ट हो जाते हैं ब्रायोफाइटा तक ही एबसेंट है सॉरी टेरिडोफाइटा में फर्स्ट प्लांट्स है जो कि वेस्कुलर टिश्यू डेवलप करता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम जाइलम वाटर कंडक्शन करता है फ्लोएम फूड कंडक्शन करता है ठीक है तो आप देख सकते हो ये जाइलम है वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करता है वन वे होता है इसका फ्लो थिक वॉल है सारे जो सेल्स से है वो डेड है देन फ्लोएम है फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है सो जाइलम वर्ड दिया था नगेली ने एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बनना स्टार्ट आ जाता है सबसे पहले कौन सा बनता है प्रोटोजाइलम एंड देन मेटाजाइलम। तो प्रोकेम्बियल से वो प्राइमरी जाइलम बनाती है विच इज प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम फिर प्रोकेम्बियम सेल्स वेस्कुलर कैम्बियम बनाती है जो कि आगे जाकर के सेकेंडरी जाइलम और सेकेंड्री फ्लोम बनाती है ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं so सो ये जायलम बना है ट्रेकिड्स का जो कि डेड है वेसल्स का ये भी डेड है जाइलम फाइबर भी डेड है बस जाइलम पेरन का है जो लिविंग सेल है बाकी तीनों डेड है ड्यू टू थिकनिंग और कुछ ट्रांसफर सेल भी होता है ट्रेकिरी एलिमेंट्स बोलते हैं अपने ट्रेकिड्स और वेसल्स को देन आते हैं हम फ्लोएम के ऊपर यस गोसीपियम स्पीशीज किसमें कोमल गोसीपियम आर्बोरियम जूट की बात कर रहे हो आप गॉसेपिया मार्बोरियम फ्लोएम के कंपोनेंट्स है सीव सेल या सीव एलिमेंट्स कंपेनियन सेल फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर देखो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हैं जिसमें से एक सेल है जो लिविंग है विच इज फ्लोएम पैरेन् नहीं सॉरी 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 एक सेल है जो डेड है व्हिच इज फ्लोएम फाइबर इसके अलावा तीन सेल्स से है सीव सेल सीव एलिमेंट कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेंकाइमा ये सभी सेल्स लिविंग है तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से आपको क्या देखने को मिला एक और चीज अगर आप याद रखना चाहें इनके अंदर इन्यूक्लिएटेड होता है ये न्यूक्लियस नहीं होता इसमें न्यूक्लियस नहीं होता बिना न्यूक्लियस के होता है इसको कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है सीव सेल सीव ट्यूज में न्यूक्लियस नहीं होता आप देख सकते हो यहां पर जो सीव सेल सीव प्लेट है इसमें आप देख सकते हो उसी एलिमेंट्स के अंदर कंपेनियन सेल्स एबसेंट है यस कोसीपीएम है बिल्कुल सही बोल रहे हो चलो, ओके। यस नोट कर सकते हो आप सो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं ठीक है आ, स्टार्ट करते हैं कल के लेक्चर से ही जहां पे हम परमानेंट टिश्यूज के बाद में ठीक है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक राइट नो आईव एट फाइव पी एम सो आज की क्लास में हम इतना करते हैं कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसकी सभी जो स्लाइड्स है उसको आप फिर से देख लीजिएगा उसको नोट कर लीजिएगा एंड उसको याद कर लीजिएगा ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास गुड बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे बाय